नमस्कार। तो एनएमसी की वेबसाइट पर मैं तो रिपीट करता हूँ कि आप लोगों को आदत होनी चाहिए देखने की, एनएमसी की वेबसाइट जो कि एनसीसी से डिफरेंट है। इसका होम पेज है nmc.org.in। इस वेबसाइट पर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नोटिस आते रहते हैं। ये नोटिस आए जिसको लेके बहुत हलचल है, मुझे बहुत फोन आ रहे थे, मैंने सोचा कि वीडियो ही बना दूं रिगार्डिंग दिस शेड्यूल। और लोग कह रहे हैं कि सर ऐसा कैसे होगा कि जो एमसीसी है, जो सारी काउंसलिंग कराती है, जो हम अच्छी तरह जानते हैं, ऑल इंडिया कोटा की, डीम्ड की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिसमें अब इस साल वो अदर देन एमबीबीएस और बीडीएस नर्सिंग का भी कराएंगे, जो कि आपने एक अलग नोटिस देखा होगा। पूरी की पूरी जो स्टेट काउंसलिंग है, क्या वो इस को भी खत्म हो जाएगी? क्योंकि 27 जनवरी को वो टाइम दे देंगे, 27 जनवरी से पहले आप शुरू नहीं कर सकते। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको 7 फरवरी करनी है, क्योंकि 9 फरवरी से एमसीसी अपना राउंड 2 स्टार्ट करेगा, राइट? तो जो डेट्स बच रही हैं एक पूरे स्टेट के लिए, और देखिए इनको इतने सारे काम कराने हैं कि रजिस्ट्रेशन कराएंगे, चॉइस फिलिंग के लिए समय देंगे, उसके बाद अलॉटमेंट होगी, रिपोर्टिंग के लिए समय दिया जाता है कम से कम 5 से 6 दिन का, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होता है। सारे काम स्टेट्स में कैसे हो जाएंगे जी इतने कम दिनों में? देखिए घबराने की बात नहीं है, और मैं बार बार लोगों को ना समझाता हूँ जो मुझे फोन करते हैं, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्या है या ट्रेजेडी क्या है। यहाँ पर जो लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, या बुरा मत मानिएगा, एक तो एनएमसी में काम करते हैं, एमसीआई में काम करते हैं, वो लोग अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनको भी ना लॉजिक और कॉमन सेंस नहीं होती, उनको नहीं पता होता है कि काम कैसे होता है। मतलब क्योंकि लास्ट ईयर ये होता था कि पहले एमसीसी के राउंड के बाद स्टेट का राउंड शुरू होता था, तो जिसने भी ये टेबल बनाई है और अप्रूवल कराया है, उन्होंने उसी लॉजिक के हिसाब से कर दिया है। ये ना समझते हुए कि इस साल काउंसलिंग लेट चल रही है, इंडिया कोटा भी अब 4 राउंड होंगे, तो हमको वो राउंड 1 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, राइट? उन्होंने तो देखा कि हाँ भाई 28 तारीख तक यहाँ पर सीट अलोकेट हमने टाइम दिया है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट का, तो उसके बाद ही हम राउंड 1 स्टेट का स्टार्ट करेंगे। सच्चाई की बात यह है कि ये जो पूरी समझ है, जैसे पहले सब कुछ चलेगा, ये जरूर मैं मान सकता हूँ कि ये जो रिपोर्टिंग का समय है, अगर 30 से 4 जनवरी फरवरी का दिया गया है एमसीसी में, तो स्टेट्स काउंसलिंग में यही समय जो है ये 2 से 7 तारीख तक का हो जाएगा, मतलब 5 दिन का डिले समझ में आता है, वही होगा। अगर 19 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, देखिए मोस्टली स्टेट्स तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी कर चुके हैं, यूपी का खैर अभी रहता है, उत्तराखंड का रहता है, छत्तीसगढ़ का रहता है, और 2-3 स्टेट्स का रहता है वेस्ट बंगाल का, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग 27 से पहले कुछ नहीं करेंगे। आई थिंक रजिस्ट्रेशन अगर एमसीसी 19 से स्टार्ट कर रही है, तो स्टेट्स भी अपना 23-24 से कर देंगे। जैसे कि हमने कहा कि अगर एक पूरा राउंड देखिए आप 19 से 4 तक चलता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरी प्रोसेस 15 दिन की होती है, 19 से स्टार्ट करके जो रिपोर्टिंग का टाइम है दैट इज 4 फरवरी, तो 15 दिन का प्रोसेस होता है। 9 फरवरी से लेकर देखिए राउंड 2 इनका चल रहा है 26 फरवरी तक, तो 15 दिन में 15 दिन का डिले नहीं हो सकता है, 5 से 7 दिन का डिले चलेगा। इसलिए अगर 19 तारीख को यहाँ शुरू हो रहा है, हम मान सकते हैं कि 23 से 24 तारीख को वहां भी रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। अगर चॉइस फिलिंग यहाँ 20 से 24 हो रही है, तो वहां पर भी हो जाएगी, और 4 से 5 दिन का गैप चलेगा। तो जो हम कहते हैं ना फाइनल सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग, जो आखिरी के 2 स्टेप हैं, वो 4-4 दिन के लैग में चलेंगे, क्योंकि जब समय ही खाली 5 दिन का है, आप मान के चले सिर्फ रिपोर्टिंग का टाइम बचेगा। तो जब तक इसका एमसीसी का प्रोसेस का सीट अलॉटमेंट होगा, तब तक आप मान सकते हैं कि जब तक इसकी रिपोर्टिंग हो रही होगी, तब तक स्टेट्स का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, ताकि उसके बाद से 5 दिन में रिपोर्टिंग हो जाए, तो इतना ही गैप चलेगा। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी प्रोसेस बाद में स्टार्ट होगी, एमसीसी का रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, सीट अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद रिपोर्टिंग वाले टाइम में स्टेट्स का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, कि उसके बाद अगले 4 दिन में स्टेट्स में भी आप रिपोर्ट कर सके, और ऐसा ही लास्ट तक चलेगा। और देखिए मैंने जिसने बनाया है उसने इसकी तो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दी है 26 मार्च, इसकी दी है 20 मार्च,
स्टेट वैकेंसी राउंड तो स्टेट्स में भी होते हैं, राइट? स्टेट्स में भी 4 राउंड होते हैं ना, राउंड वन जो यहाँ लिखा ही नहीं है। सो बस यही हम कह सकते हैं कि 26 मार्च अगर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है एमसीसी के कॉलेजेस की, 31 मार्च रहेगी स्टेट्स की, और वही जो हमने बोला है कि 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट होगा। अब ज़्यादा घबराइए मत कि सिर्फ 4 दिन मिलेंगे 5 दिन मिलेंगे, बस मैं वही सबको समझाता हूँ कि जो ये काम करते हैं ना उनमें थोड़ा सा कॉमन सेंस की कमी रहती है। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। और मैं बार बार कहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एनालिसिस सुनने के लिए, और जो भी हमारा पेड काउंसलिंग प्रोडक्ट लेना चाहता है हम एंड तक हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की। जब तक अगर आप इस प्रोसेस को देखें ना, तो लोग मुझसे पूछते हैं हमारा क्या काम होता है, हमारा काम होता है जहाँ तक देखिए सिर्फ फॉर्म भरना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट फिल में गलती ना हो जाए, डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं वहाँ कुछ मिस्टेक कुछ गलती ना हो जाए, इन सब में हम हेल्प करते हैं। इस साल जब सब स्टेट्स और एमसीसी इकट्ठे होगी, आजकल राउंड टू के बाद जब आप लाख रुपए 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराएंगे, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एनी गुड कंसल्टेंट का। गुड कंसल्टेंट हमेशा ये सोचेगा कि मैं कैसे आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट का वेस्टेज मिनिमाइज करूँ। वही हमारा पर्सनली मेरा रहता है कि अगर आप हमारे पुराने क्लाइंट से फीडबैक लेंगे जो लास्ट ईयर हमारे साथ थे उससे पिछले साल थे, तो आपको ये बताएंगे कि विवेक सर सबसे ज़्यादा पेन ये लेते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा कॉलेज तो मिले ही मिले, लेकिन साथ में हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट कम से कम खराब हो। यही दो चीज़ें अगर आप भी चाहते हैं तो फिर आप हमारे साथ हमारा पेड प्रीमियम काउंसलिंग प्रोडक्ट ले सकते हैं मेरे ऑल इंडिया नंबर पर फ़ोन करके, और पहली बात करने की आप सभी जानते हैं चार्ज नॉमिनल 1500 रुपये, ताकि आप हमें समझ लें, और उसी 15 मिनट के अंदर आपकी एक ब्रॉड स्ट्रेटजी बन जाती है और फिर आप हमारा वो वाला पैकेज ले सकते हैं। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।